दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम एक्सटिंक्शन, यानी कि हिंदी में कहे तो विलुप्त है। दरअसल इस मूवी में अमेज़न जंगल के बारे में दिखाया गया है, जहां पर कुछ रिसर्च की टीम अमेज़न जंगल पर आदमियों के द्वारा की जा रही पेड़ों की कटाई से वन्य जीवों पर होने पर नुकसान के बारे में रिसर्च करने के लिए आए होते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ वहां पर बहुत अजीब सी चीजें होने लगती है। उनके साथ ऐसी घटनाएं होने लगती है जो ना तो कभी उन लोगों ने कभी देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। जो लोग अमेज़न में जंगलों में रिसर्च करने के लिए गए थे, लेकिन वो लोग वहां पर एक शिकार बन जाते हैं। पर क्या रिसर्च की टीम अपनी जान को बचा पाएगी और उनके साथ क्या क्या अजीब सी घटनाएं होती है और उनका शिकार करने वाला क्रीचर आखिर कौन है, ये हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए अब मूवी के एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं। अब मूवी की शुरुआत में हम जेम्स को देखते हैं, जो कि एक कैमरामैन होता है। वो अपने कैमरा टीम की मेंबर मिचेल को बुलाने के लिए उसके घर जाता है, जिसके बाद वो लोग फ्लाइट के थ्रू प्रोफेसर जॉन के पास जाते हैं। दरअसल प्रोफेसर जॉन एक जाने माने रिसर्च होते हैं। उन्हें जीव जंतु के बारे में स्टडी करना बहुत ही अच्छा लगता है और रिसर्च टीम के लीडर भी प्रोफेसर जॉन ही होते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर जेम्स और मिचेल से मिलने के बाद उन लोगों को अपने लोकेशन पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर बाकी रिसर्च टीम के मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर रात गुजारने के बाद वो लोग अगली सुबह अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ में मारिया और कार्लोस नाम के दो लोकल गाइड भी होते हैं। फिर रास्ते में मिचेल रॉब से सवाल करती है कि आखिर तुम लोग किस बारे में रिसर्च करने के लिए जंगल में जा रहे हो। इस पर रॉब कहता है कि इंसान अमेज़न के जंगल में बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। वो लोग विकास के नाम पर हजारों पेड़ों को काट दे रहे हैं। इससे जानवरों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे कई सारे जानवर विलुप्त होने के कगार पर आ गए। हम लोग उन्हीं जानवरों की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। अब अमेज़न के जंगल में आगे बढ़ने पर उनकी एक गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद अब ज्यादा रात हो जाने की वजह से वो लोग वहीं पर ही गाड़ी में रात गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन रात में उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जो सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। ये आवाजें बहुत ही खतरनाक होती है और उन लोगों ने ऐसे आवाजें कभी भी नहीं सुनी होती। अब उन आवाजों को सुनकर उनका एक गाइड कार्लोस वहां से एक गाड़ी लेकर भाग जाता है, जो देखकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। फिर वो लोग अगली सुबह तक अपने गाइड का वेट करते हैं, लेकिन वो नहीं आता। इस पर प्रोफेसर अपनी दूसरी गाइड मारिया को किसी तरह से आगे बढ़ने के लिए मना लेते हैं, जिसके बाद वो लोग आगे के सफर की ओर निकल जाते हैं। अब रास्ते में उन लोगों को तरह तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं, जो अनुभव करते हुए वो लोग आगे जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। फिर जंगल के एकदम घने एरिया में पहुंचने पर वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए टेंट लगाते हैं। और अब जब रात में सब लोग आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी जेम्स और मिचेल के टेंट के पास कुछ अजीब सा जीव आकर आवाजें लगाने लगता है, जिसकी आवाज को सुनकर मिचेल बहुत ही डर जाती है। और यहाँ पर उन लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा होता कि आखिर ये आवाज किस जीव की है और ना ही उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो बाहर निकल कर ये पता करे। जिसके बाद थोड़ी देर आवाज करने के बाद वो जीव वहां से खुद ही चला जाता है। अब अगली सुबह मिचेल इसके बारे में प्रोफेसर को बताती है, जो सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि वो कोई नॉर्मल सा जीव रहा होगा, इसी वजह से तो उसने कोई हमला नहीं किया, जो सुनकर मिचेल थोड़ी राहत की सांस लेती है। अब सफर के दौरान प्रोफेसर को जंगल में एक पीला अजगर दिखाई देता है, जो कि अभी तक किसी ने देखी नहीं होती। उस अजगर को देखकर प्रोफेसर और बाकी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अभी अभी एक नए स्पीसीज की खोज की होती है।
जिसके बाद अब वो लोग फिर से जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में टिम को चोट लग जाती है, जिसका इलाज करने के बाद वो लोग टेंट लगाकर वहीं पर रात गुजारने का फिर से तय करते हैं। अब रात के समय एक बार फिर से जेम्स और मिचेल के टेंट के पास से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो आवाजें बिल्कुल कल वाली रात की तरह होती है। अब उन आवाजों को सुनकर जेम्स और मिचेल काफी डर जाते हैं और फिर से उस जानवर का वहां से जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी वो अजीब सा जानवर उन लोगों पर हमला कर देता है, जो देखकर वो लोग किसी तरह से टेंट से निकलकर भागने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जानवर उनकी किसी साथी को मार देता है। लेकिन ये दोनों किसी तरह से वहां से भागकर एक पेड़ के ऊपर छिप जाते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। और जब उनकी नींद खुलती है तो वो नीचे देखते हैं कि एक क्रीचर उनकी एक साथी यानी कि लोकल गाइड मारिया की लाश को खा रहा होता है। जिस क्रीचर को देखकर वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रीचर कुछ और नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले विलुप्त हुआ एक डायनासोर होता है। वो अब सोच में पड़ जाते कि डायनासोर की प्रजाति तो करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो गई थी, पर यहाँ पर तो अब भी डायनासोर घूम रहे हैं। पर उनके पास अब ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, इसलिए वो दोनों किसी तरह से उस डायनासोर से बचकर वहाँ से भागकर अपने टेंट के पास आ जाते हैं। और अब यहाँ पर उन दोनों को प्रोफेसर जॉन और टिम मिलते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डायनासोर ने उनके टेंट को भी बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है, इसलिए प्रोफेसर टेंट से कुछ जरूरी बचा हुआ सामान ले लेते हैं और फिर वो लोग उस डायनासोर से बचने का उपाय सोचते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर उन सबसे कहते हैं कि हमें नदी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में प्रोफेसर सब लोगों से किसी भी चीज को छूने से मना करते हुए कहते हैं कि इससे वो हमारी महक को सूंघते हुए हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए किसी भी चीज को छूना मत। अब आगे बढ़ते बढ़ते अब उन्हें फिर से एक डायनासोर दिखाई देता है, जो देखकर प्रोफेसर कहते हैं कि मैं उसका ध्यान भटका रहा हूँ और तुम लोग आगे की ओर निकल जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और डायनासोर आ जाते हैं, जो देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद मिचेल, जेम्स और टीम भागकर एक जगह पर छिप जाते हैं। पर यहाँ पर मिचेल के पेट में घाव लगने की वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। और तभी वहाँ फिर से एक डायनासोर आ जाता है, जो देखकर टीम सब लोगों को हिलने से मना करते हुए कहता है कि अगर हम हिले तो डायनासोर हमारे मूवमेंट को देखकर हम पर हमला कर देगा, और अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो शायद वो हमें देख ही ना पाए। जो सुनकर सब लोग एकदम मूर्ति की तरह बन जाते हैं, जिसकी बाहर डायनासोर उनके पास आकर उन्हें सूंघने लगता है। लेकिन टिम का यह प्लान सफल नहीं होता, इसलिए डायनासोर टिम पर हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर जेम्स और मिचेल वहां से भागने लगते हैं और भागकर एक जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन डायनासोर उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आ जाता है, और जैसे ही वो उन दोनों पर हमला करने जाता है कि तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं और फिर वो उन दोनों को वहां से जाने को कहकर खुद ही उस डायनासोर से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जेम्स और मिचेल वहां से भागते हुए किसी तरह से गाड़ी के पास आ जाते हैं और जल्दी से वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहां पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं, जो गाड़ी में तुरंत बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो मिचेल से गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। जो सुनकर मिचेल गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डायनासोर एक बार फिर से उनकी गाड़ी पर हमला करके उनकी गाड़ी को ही पलट देता है, जिसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वहां पर कार्लोस आया है, जो वही लोकल गाइड होता है जो पहले ही रात में डायनासोर की आवाज को सुनकर भाग गया था। यहाँ पर वो मारिया को ढूंढते हुए आया होता है, जो फिर वो घायल मिचेल और प्रोफेसर को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन जेम्स की इस दुर्घटना में मौत हो जाती है और यहाँ पर केवल प्रोफेसर और मिचेल ही जिंदा बचे होते हैं। फिर कुछ दिन बाद मिचेल और प्रोफेसर अपने अमेजोन यात्रा के बारे में मीडिया को एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो अपने रिकॉर्डेड फुटेज के बारे में मीडिया को बता रहे होते हैं, जिस दौरान मिचेल काफी इमोशनल हो जाती है। पर यहाँ पर मीडिया को उनकी वीडियो फुटेज पर उतना यकीन नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली किसी से भी डायनासोर के होने के बारे में बताया जाए तो वो यकीन ही नहीं करेगा।
जिस पर मिचेल समझाती कि मेरे दोस्त और कैमरामैन जेम्स ने इसे बनाने में अपनी जान गंवा दी। और फिर प्रोफेसर भी मीडिया को समझाते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होने की वजह से हम पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं ले पाए, लेकिन हम लोग सबूत इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर से जरूर जाएंगे। जो कहने के बाद मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट की तरह बनाई गई थी जो कि एक कैमरा से शूट किया गया है, और इस डॉक्यूमेंट्री को रियल फील देने के लिए इस वजह से आपको मूवी देखते समय बोरियत फील हो सकती है। वैसे इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको मूवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी एकदम रद्दी निकली। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।